भी क्लास में थे, जहाँ भी रखो सब बात हंसते बसते रहे। और सुनाएं कैसे गुजर रहे हैं रोजे? आखिरी अशरा शुरू हो गया, ईद करीब आ रही है और मैं तो आज ऐसी ही मुहिम पे निकल गया हूँ, और वो मुहिम सफाई से रिलेटेड है। मुझे घर का पड़े ही है, क्या मैं क्या करूँगा? ये तो पता नहीं क्या है, मुझ पर ही सारा काम ठोक देते हैं। ये मैं ही पता नहीं, इतनी मैं चूची सी जान है मेरे में, और चूची सी जान का भी निकाल के ही छोड़ेंगे। और बताएं कैसे रोजे गुजर रहे हैं? अफ्तारी अफ्तूरियाँ पकौड़े शकौड़े खा रहे हैं? तो जो मुहिम है उसके बारे में आके आपको तफसील से बताता हूँ। तो चले अब मैं शुरू करता हूँ अपनी मुहिम। तो आज वो मुहिम है सोफे की सफाई के बारे में, और वो मुहिम बहुत ही खतरनाक है क्योंकि सोफे में बहुत ज़्यादा कचरा पाया जाता है। तो पहले हम पहली गद्दी उठा के यह मैंने रखा है, देखें फर्स्ट कल आया पहली बारी में ही लहसुन भी अपनी जगह पर ठिकाने नहीं लगाते। इतनी मट्टे ऐसे 10 सालों से यहीं पड़ा हुआ है। तो अब हम बिस्मिल्लाह, किसने अपने खुशबूदार मोजे रखे हैं इधर? शिकार हाथ लग गया है। ये तो मेरा बैज है जो मैंने फेंका। कचरे पे कचरे निकल रहे, अब दूसरी जगह मारते हैं हाथ। है यहाँ तो सुराख है, कहीं चूहा तो नहीं पड़ गया यार? मैंने क्या कोई मारा? ओ भाई ये तो सिक्का है, ये तो सऊदी अरेबिया का सिक्का मिल गया मुझे। अब लॉटरी लग गई, सऊदी अरेबिया का सिक्का मिला मुझे। देखो भाई कितना है, तो लगता है शायद रियाल है, दिरहम है। मेरे ख्याल से 20 या 25 रुपये का इन्नी ही सिक्का है या सिक्का। मैं तो लॉटरी अपन की निकाल गई। देखें आप भी सोफे साफ किया करें, आपकी भी इस तरह लॉटरी निकले। और चेक कर तो कोई नोट निकल आए यार, किस्मत लगता है फूट चुकी है, रूठ चुकी है, अब नहीं निकलेगा कुछ। देखते हैं और कुछ सामान सामान निकलता है। तो सिर्फ गांधी निकल रहा है, गांधी निकल रहा है, गांधी। ओह हाथ रख दिया कुछ, कमी से मुझे पेंसिल भी मिल गई, 10 रुपये हो गए मेरे पास। यहाँ है कुछ और भी, तो कलर मिल गया। वाह भाई लॉटरियों में लॉटरियाँ निकलती आ रही हैं। ऐसे ही सोफे शोफे साफ करते रहे हैं, लॉटरी निकलती आएगी। कोई चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, लॉटरी सोफों में पाई जाती है। और कुछ मिल जा रहे हैं, और कुछ मिल जा रहे हैं, और कुछ मिल जा रहे हैं।
साफा के अंदर सिर्फ पतले हाथी घुस सकते, मैं जैसे सूखे हाथी घुस सकते। तो दादी लिखा है पर 3,000 लगते पर्ची है। तुम्हारा इसमें मुझे 3 प्रॉफिट देखे, 101 प्रॉफिट हुआ मुझे। अभी रीचेक करते हैं कहीं दोबारा और प्रॉफिट भी निकल सकता है। रीचेकिंग, ये भी सफाई की एक किस्म ही है ना। कंडे चुभ गए, सारे हाथ खराब हो गए। मैंने ओ इसके रात में मेरी पूरी हड्डियां पसलियां टूट गई। आई इतना कोई बुलाते ही नहीं, हमें उठना ही पड़े। और तो ऊपर से मेरा रोया भी है, काम करवा करवा खुश ऐसा लग रहा है हम शहराम आए हुए हैं। अब ये गंद भी उठा के लेके जाना पड़ेगा यार, क्या वक्त है। अरे इकट्ठा करा उसको, प्रॉफिट के साथ नुकसान भी हो गया मेरा, तो मज़ा ही आएगा। प्रॉफिट मुझे मिलता कान कहीं और उठाता, लेकिन आजकल की दिल्ली इतनी अच्छी ही कहाँ। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप मुझे लाइक, मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा वीडियोज बनाता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बनाता हूँ, लेकिन आप मैं आपको चीज़ें भी सिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में चश्मा भी सिखाया था बनाना कागज़ का। तो आप मेरी वीडियो ज़्यादा लाइक शेयर और व्यू भी किया करें और सब्सक्राइबर भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएँ मेरे, ताकि और आप यहाँ पर मुझे कमेंट में बता करें कि मैं आपके लिए और कौन कौन सी वीडियो बनाऊँ। और ये गंद इकट्ठा हो गया है, अब हम कागज लेते हैं ताकि एक थोड़ी भी जान ले सकती है। ये कुछ कचरा नीचे भी गिर गया, कोई उबर रह गया, नुकसान तो फिर भी हो गया। अरे क्या मुसीबत है, इसको इससे अब जान ही होगी। मैं इतना हसद हो रहा है, प्रॉफिट तो निकला सही ठीक है माना, लेकिन अब ये गंद भी मैं उठाऊं, नॉट इनफ उठाने के लिए। चप्पू से साफ करेंगे,
ये होता ना, साफ करके ना अंदर ही डाल देता हूँ। बताना सफाई हो गई। देखो मैं सॉन्ग भी करी सुबह। सीधी साइड कौन सी है? पास है यार, मैं इसे सूखी जान कुछ पकड़ लूं। कॉफी लाओ, मेरी मदद करो। क्या बीत रही है? ओ ये कलर देता हूँ। ये यहाँ देखिए, यहाँ भी गंदा है। तो जी आप भी अपने घर में साफा शाफे सफाई क्या करें, ये पॉकेट मनी तो हाथ आएगी। तो जी व्यूअर्स, आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीलॉग।